वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है शट द बॉक्स। वैसे तो मार्केट में अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं इस टाइप से, लेकिन हम इसका होममेड वर्जन सीखेंगे कि कैसे हम घर पे इसको बना के खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शट द बॉक्स का होममेड वर्जन खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? जिस गेम पे हमने मार्टिनेट पे सीखा था ना, जिस बोर्ड पे, उसी तरह से आपको बोर्ड बना लेना है। जो उसी बोर्ड अगर आप खेलते हैं तो उसको ले लेना है। इस तरह से 1 से 12 के नंबर लिखने हैं 2 रोज़ में। इसके अलावा और 2 प्लेयर्स के लिए, हर प्लेयर के लिए 12 12 गीटियाँ चाहिए। ठीक है, 12 हमने रेड ले लिए और 12 हमने ब्लू ले लिए। और इसके अलावा हमें चाहिए 2 डाइस। तो होममेड वर्जन हमारा कंप्लीट होता है, इसी से हमने खेलना है। और इससे अब हम रूल्स सीखते हैं कैसे खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब रूल्स के लिए हमें क्या करना है, आप देखिए। तो सबसे पहले मान लो ब्लू प्लेयर की टर्न आती है, तो क्या करेगा प्लेयर, 2 डाइस गिरेगा। अब जो 2 डाइस पे नंबर आए उसको किस तरह से चलना है, अब देखिए। उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उसके पास क्या है, इंडिविजुअल जो नंबर आए हैं उनको चल दे। जैसे कि 2 और 5 आए हैं ना, तो 2 और 5 पे अपनी गिट्टियाँ रख दे, 1 2 पे और 1 5 पे। दूसरा ऑप्शन क्या है, उनको ऐड करके जो नंबर बनता है उस पे रख दे। जैसे कि यहाँ पे क्या बनता है, 5 और 2 7, तो यह ऑप्शन है ये, गिट्टी 7 पे रख दे। तीसरा क्या ऑप्शन होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनता है ना, वहाँ पे अपनी गिट्टी रख दे। यानी कि 5 और 2 मल्टीप्लाई कितना बन गया, 10। तो एक गिट्टी अपनी वहाँ पे 10 पे रख दे। मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन तब तक अवेलेबल होगा जब तक मैक्सिमम नंबर 12 बने। अगर 12 से ऊपर नंबर बन रहा है, वो वाला आप ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से 3 ऑप्शन थे इसके पास इस बारे में। तो मानते हैं हमने उसने पहले वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया, 1 गिट्टी 2 पे 1 5 पे रख दी। अब उसकी टर्न कब तक आती जाएगी, जब तक कोई ऐसे नंबर्स ना आ जाए जहाँ पे वो अपनी गिट्टी ना रख सके। अब अगली टर्न में मान लो इसका अब 3 और 6 आ गया, तो वही क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, या तो 6 और 3 कहीं रख दे गिट्टियाँ। दूसरा ऑप्शन है 6 और 3 को ऐड करके 9 पे रख दे। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो 6 और 3 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो 18 नंबर यूज़ का नहीं है हमारे, 12 तक ही है मैक्सिमम। तो इसने मान लो 1 3 पे और 1 6 पे रख दी। अब इसकी टर्न फिर आएगी, तो अब मान लो टर्न आती है, अब इसका टर्न में आ गया 5 और 6। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 पे भी एक गिट्टी रखी हुई है, 6 पे भी गिट्टी रखी हुई है, तो वहाँ पे तो रख नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, 5 और 6 को ऐड कर दे 11, वहाँ पे भी रख नहीं सकता। और मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं, 6 और 5 होता है 30। तो इस तरीके से जब ऐसे कोई ऑप्शन आ जाए जहाँ पे वो कहीं भी अपनी गिट्टी ना रख सके, तो वो टर्न होती है उसकी एंड। अब नेक्स्ट प्लेयर की टर्न आती है, तो नेक्स्ट प्लेयर भी तब तक अपनी टर्न चलेगा जब तक कि कोई ऐसी टर्न ना आ जाए कि वो कहीं पे भी अपना ना रख सके। मान लो ब्रैड ने इस तरह से गिट्टियाँ रख दी थी अपनी, अब मान लो उसकी टर्न आए, मैं आया उसका 4 और 4, तो देखिए 4 पे रख नहीं सकता, ऐड करेंगे 8, उस पर भी रख नहीं सकता, मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें रेड वाले की टर्न एंड हो जाएगी। तो इस तरह से ऑल्टरनेट दोनों प्लेयर्स की टर्न आती रहेगी। कब तक आएगी, जब तक कि कोई एक प्लेयर सारी की सारी गिट्टियाँ अपनी 12 के 12 नंबर्स पे ना रख दे। तो सपोज़ इस केस में ब्लू वाले प्लेयर ने अपनी 12 की 12 गिट्टियाँ सारे उस पे रख ली हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये ब्लू प्लेयर जीत जाएगा। सिंगल गेम खेल रहे हैं तो सिंपली जीत कर रख सकते हैं आप। अगर आपने मल्टीपल राउंड्स खेलने हैं तो फिर हम एक स्कोरिंग सिस्टम भी इसमें यूज़ करते हैं। स्कोरिंग के लिए क्या होता है, देखिए कि जिस प्लेयर के बच जाते हैं ना, जैसे रेड वाले प्लेयर के अब 3 नंबर इसमें बच गए हैं, 10 11 और 12, तो उन तीनों को ऐड करके जितने नंबर बनते हैं ना वो उसको मिल जाएंगे, और जिसके सारे के सारे हैं उसको कितने, 0 नंबर मिलेंगे। तो ब्लू प्लेयर के इसमें हो गए 0 और रेड प्लेयर के हो गए इसमें 33। हाँ, तो जिसके इसमें ज़्यादा नंबर होते हैं वो इस गेम को हारता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो जितने राउंड्स आपने डिसाइड किए हैं उतने राउंड खेल लिए, तो राउंड के एंड में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो इस गेम को हारेगा। तो फ्रेंड, ये सिंपल से रूल थे शट द बॉक्स को आप कैसे घर पे बना के खेल सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, खेल के ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।